नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समी बोल्सकाय में आपका स्वागत है। आज सदी के महानायक अमिताभ बच्चन 80 साल के हो गए हैं। पिछले 50 से ज्यादा सालों से बिग बी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का चमकता सितारा बने हुए हैं। आपको बता दें कि 80 साल के हो चुके बिग बी आज भी काफी फिट दिखते हैं। उनकी फिटनेस का राज उनके खान पान और एक्सरसाइज में छुपा हुआ है। उम्र बढ़ने के साथ साथ अमिताभ बच्चन अपने खान पान को लेकर काफी अवेयर रहते हैं। एक इंटरव्यू में बिग बी ने बताया था कि पहले वो मांसाहारी थे, लेकिन अब पूरी तरह से शाकाहारी हो गए हैं। साथ ही वो चाय कॉफी नहीं पीते हैं। इसकी वजह ये है कि चाय कॉफी में कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके ज्यादा मात्रा में सेवन से दिमाग और याददाश्त पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीते हैं और ना ही ज्यादा मिठाइयां खाते हैं। अमिताभ बच्चन अपने डाइट में देसी चीजें लेते हैं। वो अपने ब्लॉग में बता चुके हैं कि उनका दिन वर्कआउट से शुरू होता है, जिम के बाद वो खजूर, सेब और केले जैसे फ्रूट्स खाते हैं। अमिताभ बच्चन नाश्ते में कभी दलिया तो कभी अंडा, भुर्जी, दूध, प्रोटीन ड्रिंक और बादाम खाते हैं। इसके बाद आंवले का जूस, तुलसी की पत्तियां और नारियल पानी पीते हैं। इसके साथ ही एक्सरसाइज को लेकर तो वो काफी डिसिप्लिन है। भले कितना भी काम हो, शूटिंग देर तक चले, लेकिन वो एक्सरसाइज करना नहीं बोलते हैं और ना ही अपनी डेली रूटीन को बिगड़ने देते हैं। अमिताभ जिम के साथ साथ हर रोज योग भी करते हैं। बिग बी ने अपने जीवन में कई तरह की परेशानियां उठाई हैं। उन्होंने टीबी और लीवर सिरोसिस जैसी बड़ी बीमारियों का सामना किया है। लीवर सिरोसिस के कारण उनका लीवर 75% तक डैमेज हो चुका था। 2019 में आई महामारी में भी उन्होंने कोरोना से लड़कर उसे मात दी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार बिग बी को माइस्थेनिया ग्रेविसिस ऑटोइम्यून डिजीज भी थी। इसलिए महानायक अमिताभ बच्चन अपने खान पान का विशेष ख्याल रखते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।